अगर आपके अनजाने में या फिर आपके नादान होने पर कोई अगर आपकी हक की प्रॉपर्टी की वसीयत अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लेता है, तो क्या आप उस वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं? क्या आप उस वसीयत को रद्द कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो किन सिचुएशन में किया जाता है? इसके लिए जरूरी प्रोसीजर क्या-क्या होती है? आज की इस वीडियो पे मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रवान चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो पे मैं आपको वसीयत चैलेंज करना पूरी प्रोसीजर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी रजिस्टर्ड वसीयत पर क्या-क्या कार्यवाही की जा सकती है, चलिए वो देखते हैं। इसके लिए हमने ये पूरा फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या रजिस्टर्ड वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। इसका आंसर है हाँ, वसीयत की वैधता और वास्तविकता को हमेशा चुनौती दी जा सकती है। समक्ष न्यायालय से वसीयत को निरर्थक घोषित करते हुए एक घोषणा प्राप्त करें। आप न्यायालय में वसीयत को चुनौती दे सकते हैं जब कानूनी तौर पर आपका भाई अपने नाम पे उपकरण वसीयत स्थानांतरित करने के लिए प्रोबेट मुकदमा दर्ज करेगा। उस दौरान तब आप अपना तर्क दे सकते हैं और अपनी मां की वसीयत को भी चुनौती दे सकते हैं। आपके पास उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर करने और संपत्ति जिसे आपकी मां ने अपने भाई के पक्ष में निष्पादित किया है आपका अधिकार और सरोकार बढ़ाने का विकल्प है। कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का कि अगर किसी एक पक्ष में वसीयत कर दी जाती है और आप उसके वैलिड वारिस हैं तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने पर आप अपनी पूरी कंडीशंस रखेंगे। प्रोबेट मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर अपना अधिकार चैलेंज करते हैं कि इस पर मेरा भी पूर्ण अधिकार है इस प्रॉपर्टी पर। वो प्रॉपर्टी अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है तो उस पर दोनों पक्षों का पूरा उसके विधिक वारसानों का हक होता है। उसे एक पक्षीय वसीयतनामे पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। अगर वो प्रॉपर्टी आपके किसी पापा की है या फिर किसी दादा की है जिसने भी वसीयत की हुई है तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। नीचे देखते हैं, कानूनी भाषा के अनुसार पुरुषों को 4 पीढ़ियों तक जो संपत्ति विरासत में मिली हो उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। यानी कि जो प्रॉपर्टी आपको आपके पूर्वजों से प्राप्त होती है उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति कहा जाता है। और जो प्रॉपर्टी आप अपने खुद की कमाई से हासिल करते हैं, खुद की कमाई से परचेस करते हैं या खरीदते हैं तो उसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी कि खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म से समय से ही मिल जाता है। मतलब अगर एक प्रॉपर्टी है जो कि पैतृक है, जो कि आपको पूर्वजों से आपके पिताजी को मिली हुई है तो उस पर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह विरासत के अन्य प्रारूपों जैसे नहीं होता है जहाँ संपत्ति के मालिक के मरने के बाद ही विरासत में संपत्ति मिल सकती है। संपत्ति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक जो खुद से अर्जित की गई हो या खुद के पैसों से खरीदी गई हो और दूसरी वह जो विरासत से उत्तराधिकार में मिली हो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है, पहला सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो आपको पूर्वजों से मिलती है जिस पर आपका उत्तराधिकार हक होता है, और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो कि आप अपनी सेल्फ की कमाई से परचेस करते हैं, उसे खरीदते हैं। अपनी कमाई से खड़ी की गई संपत्ति स्वार्जित संपत्ति कहलाती है, जबकि विरासत से मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। यदि आपके परिवार में 4 भाई हैं और किसी एक पिता की मृत्यु के ऊपर और किसी एक ने पिता की मृत्यु के उपरांत अपनी मां से वसीयत के दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर करवा लिए हैं तो आप उस वसीयत को न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी अनुभवी वकील की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि वह ही ऐसे केसों में आपकी मदद कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो कि खुद से बनाई गई प्रॉपर्टी है, उसे अगर आपके पिताजी या फिर कोई नाना जी दादाजी जो भी हैं उसे आप किसी के नाम पर ट्रांसफ़र करा देते हैं, वसीयत करा देते हैं, तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि विरासत में मिली हुई है जिस पर आपका भी हक है, उत्तराधिकार हक है, और उसे आपके पिता ने या फिर दादा ने किसी एक पक्ष पे वसीयत करा दी है, अगर आप 4 भाई हैं एक पक्ष पे करा देते हैं तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी वसीयत को चैलेंज करने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर की ज़रूरत होती है जो कि आप हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पैतृक संपत्ति पे किसका किसका हिस्सा होता है।
किसी भी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उनके सभी बच्चों और उनकी पत्नी का बराबर हिस्सा होता है। अर्थात किसी परिवार में एक व्यक्ति के 3 बच्चे हैं और उन बच्चों की शादी और बच्चे भी हो चुके हैं, तो उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा पहले उन 3 बच्चों में होगा, उसके बाद 3 बच्चों में उस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा जो संपत्ति उनके पिता के हिस्से में आई है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक प्रॉपर्टी है जो कि पूर्वजों से आपको मिली हुई है, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसके अगर वारसाने हैं 4, तो उन 4 को पहले प्रॉपर्टी का बराबर बराबर हक डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद उन 4 के जो बेटे हैं उन पर भी उनका हक डिवाइड किया जाएगा। 3 बच्चों को पैतृक संपत्ति का हक 1/3 मिलेगा और उनके बच्चों और पत्नी को उनकी गिनती के अनुसार बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। हालांकि मुस्लिम समुदाय में इस नियम को नहीं मानता। इस समुदाय में पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार तब तक दूसरे को नहीं मिलता है जब तक कि अंतिम पीढ़ी का शख्स जीवित हो। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम समुदाय में इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है, ये एक्ट उन पर काम नहीं करता है। उन पर उत्तराधिकार तब तक दूसरे को नहीं मिलता है जब तक कि उसकी अंतिम पीढ़ी का जो कोई भी एक वारिस होता है वो जीवित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों का हिस्सा। दिल्ली की उच्च न्यायालय ने साल 2016 में अपने एक मामले में सुनवाई दिया था कि किसी परिवार में बेटे का अपने माता पिता द्वारा कमाई हुई संपत्ति में किसी प्रकार का कोई कानूनी हक नहीं है। इस आदेश में यह भी कहा गया था कि जहां घर माता पिता द्वारा बनाया गया हो वहां बेटे चाहे शादीशुदा हो या कुंवारा, उसका घर में रहने का किसी प्रकार का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। कहने का मतलब, जैसा कि मैं अभी आपको बताते जा रहा हूँ बार बार, कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से अगर पिता आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर देता है तो आपको उस पर कोई हक नहीं होता है, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यदि वह घर में रहता है तो यह गैरकानूनी भी नहीं है। मतलब अगर आप घर पर रहते भी हैं तो वो भी गैरकानूनी है, इस पर भी आपके भी कुछ राइट्स होते हैं, एकदम से आपको भी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की दया पर भी घर पर रह सकता है। मतलब लावारिस जैसे ये केस यहाँ पर हो गया, और जब उसके माता पिता चाहें उस बेटे को अपने घर की प्रॉपर्टी से जाने को कह सकते हैं। पैतृक संपत्ति का परिवार वालों के बीच बंटवारा होने से यह पैतृक संपत्ति नहीं रह जाती है। यह पिता या संपत्ति के मर्जी पर निर्भर करता है कि वह खुद की बनाई हुई संपत्ति अपने बेटे के नाम करता है या नहीं करता है। पैतृक संपत्ति का परिवार वालों के बीच बंटवारा होने के बाद यह पैतृक संपत्ति नहीं रह जाएगी। यह पिता या संपत्ति के मालिक की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह खुद की बनाई हुई संपत्ति को अपने बेटे के नाम पर करता है या नहीं करता है। लेकिन यदि संपत्ति पैतृक है तो पिता को वह संपत्ति अपने उत्तराधिकारी या अपने विधिक वारसानों के नाम पर करनी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को पिता आपके नाम पर नहीं भी करेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उन्हें उनके विधिक वारसानों के नाम पर करना ही होगा, जितने बेटे जितने बेटियां होंगी, और पत्नी के नाम पर उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 में पैतृक संपत्ति में बेटों के साथ बेटियों को भी बराबर का उत्तराधिकार दर्जा दिया गया है। इस कानून में संशोधन से पहले सिर्फ परिवार के पुरुषों या बेटों को ही उत्तराधिकार का दर्जा दिया जाता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान 6 में संशोधन कर उसमें बेटियों को भी उत्तराधिकार का दर्जा दिया गया है। बात यह है कि जब हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 1956 बनाया गया था तो इसमें हुआ ये था कि एक ऐसा कोई केस था जहां पर बेटी अपने पिता की प्रॉपर्टी पर चैलेंज करती है तो उस पर वो केस जीतती है। इस पर जब कोर्ट ने फैसला दिया था तो उस समय से बेटी का भी पिता की प्रॉपर्टी पर उतना ही हक होता है जितना कि बेटे का होता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया। आमतौर पर पैतृक संपत्ति में बंटवारे की बात उस संपत्ति के वर्तमान मालिक की मृत्यु के बाद ही की जाती है, क्योंकि पैतृक संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद ही उस संपत्ति के नए मालिक बनने की बात सामने आती है। संपत्ति में नए मालिक बनने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि संपत्ति में वर्तमान मालिक जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी वसीयत के आधार पर नए मालिक का चुनाव हो सकता है। अगर कोई वसीयत नहीं की गई है तो उसके पुत्र या उसके उत्तराधिकारी के नाम पर वह पैतृक संपत्ति हस्तांतरित हो जाती है। पैतृक संपत्ति को अपने नाम पर हस्तांतरित करने के लिए एक व्यक्ति को अपने संपत्ति क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दर्ज करना होगा। यदि वह व्यक्ति उस पैतृक संपत्ति को अपने नाम पर हस्तांतरित करने की सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो केवल वह उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। न्यायालय द्वारा उन सभी लोगों
से उस संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए किसी भी प्रकार की आपत्ति होने के लिए पूछा जाता है, जो किसी भी प्रकार से उस संपत्ति से जुड़े हुए हैं जिसका संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। यदि उनमें कोई भी व्यक्ति आपत्ति करता है तो न्यायालय में संपत्ति हस्तांतरण के आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति होती है तो न्यायालय में उस व्यक्ति को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर देगी, जिससे कि वह संपत्ति के नए मालिक के हस्तांतरित हो जाएगी। आवेदन करने के लिए मृतक मालिक के मृत्यु प्रमाण पत्र का होना बहुत ही आवश्यक होता है तथा आपको आवेदन के लिए उचित शुल्क का भुगतान भी करना होगा। अब देखिए, इतना जो ये पॉइंट है इसे मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी एक के नाम पर रजिस्टर्ड हो गई है वसीयत पर और वसीयत के उत्तराधिकारी आप सभी हैं, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। वो वसीयत उसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होने देगी, मतलब उस वसीयत को रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और उस प्रॉपर्टी पे अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ़ होती है, जैसे कि एक वसीयत एक पक्षीय कर दी गई है और आप उस पर कोई अपना चैलेंज करते हैं, केस लगाते हैं, तो वो वसीयत रद्द कर दी जाती है, वो वसीयत मान्य नहीं होती है, उसे फेल कर दिया जाता है, अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो। और उस पर अगर आपके बहनों का भी नाम है, ऑब्वियसली बात है कि आपकी बहनों का नाम होगा ही होगा, तो वहाँ पर आपको इसको अपने नाम पर करने के लिए बहनों से पहले हक त्याग रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। हक त्याग रजिस्ट्री के बाद ही आप अपनी उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि वसीयत को क्या चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।